आपको तय करना चाहिए कि आपके जीवन में अधिक महत्व किसका है, आजादी का या बंधन का। प्लीज मैं सुनना चाहूंगा। मगर आजाद होने पर आप खोया हुआ महसूस करते हैं। अगर आप पहाड़ों पर जाएं और आप पूरी तरह आजाद हों, मतलब कोई भी कुछ भी आसपास ना हो, आप बस पहाड़ों के खाली इलाके में हो, तो आप आजाद नहीं महसूस करते, आप खोया हुआ महसूस करते हैं। तो आजादी को संभालने के लिए एक स्तर की स्पष्टता और शक्ति की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग आजादी को नहीं संभाल सकते, वो हमेशा खुद को बांधने की कोशिश करते हैं, मगर हर समय आजादी की बातें करते रहते हैं। अगर आप उन्हें वाकई आजाद कर दें तो उन्हें बहुत दुख मिलेगा। तो ये क्रमिक विकास की समस्या है। कहने का मतलब है, इस तरह से इंसान फिलहाल पिंजरे के पंछी की तरह है। अगर आप किसी चिड़िया को लंबे समय तक एक पिंजरे में रखें और फिर एक दिन पिंजरे का दरवाजा खोल दें, तब भी वो चिड़िया नहीं उड़ेगी। अंदर होने पर वो विरोध करेगी कि वो आजाद नहीं है, मगर वो उड़ेगी नहीं। इंसान की स्थिति ऐसी ही है। बाकी सभी प्राणियों के लिए प्रकृति ने दो लकीरें खींची हैं, जिसके भीतर उन्हें जीना और मरना होता है, और वो यही करते हैं। मगर सिर्फ इंसानों के लिए बस नीचे की लकीर होती है, ऊपर की लकीर नहीं होती, और उन्हें इसी बात की तकलीफ है। अगर उनका जीवन भी हर दूसरे प्राणी के जीवन की तरह तय होता तो वो दुखी नहीं होते, बेचैन नहीं होते, अपनी ही बुद्धि को संभालने के लिए परेशान ना होते। और अनजाने में आप यही खोज रहे हैं। आप उसे संबंधों के रूप में खोज सकते हैं, पेशे के रूप में खोज सकते हैं, राष्ट्रीयता के रूप में खोज सकते हैं, या खोज सकते हैं जात, समुदाय, भगवान, स्वर्ग या नर्क के रूप में। आप बस एक नकली लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आजादी के लिए साहस की जरूरत होती है, एक तरह के पागलपन की जरूरत होती है। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप तर्क की दो लकीरों के बीच चलेंगे। आजाद होने के लिए बहुत ताकत चाहिए कि आप सबसे पहले, अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो जिस चीज की जरूरत है, क्या आप जानते हैं कि हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार होता है, हेलो, जिसे आप खुशी कहते हैं, वो एक तरह की केमिस्ट्री है। दुख दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। तनाव एक तरह की केमिस्ट्री है। बेचैनी अलग तरह की केमिस्ट्री है। पीड़ा एक तरह की केमिस्ट्री है। परमानंद एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। एक्सटेसी तो आप जानते हैं कि एक तरह की केमिस्ट्री है, मैंने सुना। तो आपके जीवन के अनुभव का एक रासायनिक आधार है। ये इसे देखने का सबसे सतही तरीका है। इसके दूसरे आयाम भी हैं, मगर आपको समझाने के लिए, या दूसरे शब्दों में, जिसे आप अभी मैं कहते हैं, वो एक रासायनिक सूप है। सवाल बस ये है कि आप एक बढ़िया सूप हैं या घटिया सूप है, कि नहीं। अभी अगर आपके अंदर आनंद की केमिस्ट्री है, अगर आप आंखें बंद कर लें तो बढ़िया, आंखें खोल लें तो बढ़िया, अगर कोई यहां है तो बढ़िया, कोई नहीं है तो बहुत बढ़िया, हाँ या ना। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री खराब है, अगर आप उन्हें देखें और वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं तो ये ठीक है, लेकिन बढ़िया नहीं। अगर वो आपको इस तरह देखें तो अचानक समस्या हो जाती है। अगर ये लोग बिल्कुल आपकी मर्जी से चलते हैं तो आपकी केमिस्ट्री ठीक ठाक संतुलित होती है। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं तो कुछ और हो जाता है। तो दरअसल आपने इस मैकेनिज्म को ध्यान से नहीं देखा है कि इसका आधार क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं इसे सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे चला सकता हूं। अभी मान लीजिए आप बिल्कुल आनंद में, मेरी तरह, तो क्या आपको परवाह होगी कि यहां कौन है कौन नहीं है। अगर वो आसपास हैं तो बढ़िया, वो चले गए तो भी बढ़िया, क्योंकि जीवन का आपका अनुभव अब इससे तय नहीं हो रहा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। चाहे वो लोग हों या चीजें हों या भोजन हो या कुछ और हो, उनसे ये तय नहीं हो रहा। एक बार जब आपके होने का तरीका किसी बाहरी चीज से तय नहीं होता, तो अकेलापन जैसी कोई चीज नहीं होती।
बल्कि आप अपने अकेलेपन का आनंद लेंगे, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, इस छोटी उम्र में ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आप चाहें या ना चाहें, इस शरीर के अंदर आप हमेशा अकेले होते हैं, है ना? चाहे आप संवाद करें या संभोग या और कुछ और कुछ और कुछ, फिर भी आप इस शरीर में अकेले हैं, हाँ या ना? अगर आप इस अकेलेपन को संभालना नहीं सीखते तो आपने इस जीवन के बारे में कुछ नहीं सीखा। जीवन के बारे में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये सिर्फ मेरी जगह है, आया ना? क्या ये सबसे खूबसूरत चीज नहीं है? कोई मेरे अंदर नहीं घुस सकता। वो मुझे कैद कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, मगर वो मेरे अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि मेरे पास एक जगह है जो सिर्फ मेरी है। क्या ये आपके जीवन का सबसे सुंदर पहलू नहीं है? इसे तकलीफ मत समझिए, ये सबसे सुंदर चीज है। मगर आप थोड़ा रोमांटिक होकर तरसने का आनंद लेना चाहते हैं। हम जो करते हैं वो सिर्फ एक खेल है। जीवन खेल है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। मगर महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने भीतर कैसे हैं। अगर आप इस तरह से यहाँ हैं कि आप सिर्फ अपनी जरूरतों के अनुसार चलते हैं, तो आप बहुत ही तुच्छ जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी जरूरत के यहाँ बैठ सकते हैं, मगर जो जरूरी है वो करेंगे, तो आप एक शानदार जीवन जिएंगे। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप सब एक शानदार जीवन जिएं। अपने लिए इसे सच बनाएं।